इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्लास्टिक का ना भैया, जो स्लीपर की होती है सीधे मैन्युफैक्चरिंग होती है करके मशीन चालू करवा दिया। जैसे ऑन करेंगे तो एक सैंपल के तौर पर देखेंगे, ऑलरेडी मैं दिखाने की बात करूँ कि सारे स्लीपर के सीट लगे हुए हैं, ये कट जाएगा, देखेंगे आप लोग देख सकते हैं। ग्राइंडर है और ये ग्राइंडर से जो पूरा स्मूथ कर देते हैं, जो सारी ये बद्दी यानी या घुंडी मतलब कुछ भी कह सकते हैं। छोटा सा क्लिप लिए हैं और काफ़ी आसानी से लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 6-7 महीने आराम से चल जाता है। देख के अच्छा लग रहा है ये भी, एक आपको जो एक नया 260 रुपये लोग पहन सकते हैं, 6 साल भर आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने ब्रांड का बना कर दे देंगे। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आप लोग का डिमांड को काफ़ी दिन सर भैया दोस्त की वीडियो लेके आओ, तो आप लोग को डिमांड पर मैं आ गया कुशीनगर में। आप देख पा रहे होंगे ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये NH 28 यानी कुशीनगर से ये रोड सीधे जाता है गोरखपुर के लिए। NH 28 ये हाईवे रोड है, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देख पा रहे होंगे सीधे यहाँ जो स्लीपर की होती है सीधे मैन्युफैक्चरिंग होती है जी हाँ। और शॉप के एड्रेस की बात करें देख पा रहे होंगे यहाँ पे यार्ड लैंड फुटवेयर के नाम से इनका है। और देखेंगे इन्होंने पूरा जो मोबाइल नंबर इनका शो कर रहा होगा, आगे मैं इनका जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार मैं राउंड अप करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे सीधे इन्होंने सीट बना रखा है, मतलब जो सेट है। और इधर देखेंगे तो चप्पल का जो होता है घुंडी होता है, घुंडी है। और इधर मशीनें हैं। और क्वांटिटी की बात करें देख सकते हैं क्वांटिटी कितने अच्छे से पैकिंग है, मतलब अपने ब्रांड का अगर बनवाना चाहें तो भी बनवा सकते हैं, अपना लोगो लगवाना चाहते हैं तो भी लगवा सकते हैं, यानी इनसे लेकर के आप अच्छा खासा बिजनेस। फाइनली मैं यहाँ कानर के पास आ गया हूँ, चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। बने रहिए। नमस्कार सर जी। हाँ मेरा नाम छोटे लाल है जी। मैं स्लीपर का बिजनेस करता हूँ जी, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ जी। मेरे वहाँ अगर एड्रेस की बात करें तो अगर पता बता दीजिए क्या आपका है। हाँ मेरा पता है आयरलैंड फुटवेयर जी, पैकावली हाटा जी। हाटा से पूर्व साइड में वो जो पूर्व साइड कुशीनगर की तरफ रोड जा रहा है, मेन हाईवे पे है जी। हमारा और जो है हम होलसेल का वो उचित मूल्य पे जो है हम वो सप्लाई करते हैं। अच्छा आप किस किस तरीके से चप्पल बनाते हैं? सर मैं हवाई चौड़े फीता में, पतले फीता में, ऐसे शूज भी का भी बिजनेस करता हूँ जी। अगर स्टार्टिंग रेंज की बात है शुरुआत कितने रुपए से हो जाती है आपके यहाँ? सर मेरे वहाँ 22 रुपये से स्टार्ट होती है। सबसे कम प्राइस में 22 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई थोक रेट में लेना चाहे तो किस से, अगर कोई आपसे मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कितना लागत में स्टार्ट कर सकते हैं? लगभग मिनिमम वो मान के चलिए 15 से 20 हज़ार। 15 से 20 हज़ार रुपये मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? हाँ करते। अच्छा इसमें मार्जिन अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है? नहीं होता? हाँ बहुत बढ़िया मुनाफा होता है। दोस्तों देख सकते हैं जो सारे स्लीपर हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्लीपर मैं दिखाने का भी कोशिश करूँगा, सारे के करके आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि स्लीपर कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होगा। तो चलिए एक बार टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे के कलेक्शन देखे प्रोसेस देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा जो इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला चप्पल कैसे बनते हैं, तो ये देखेंगे तो जो स्लीपर का है ये मशीन है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इनको रिक्वेस्ट करके मशीन चालू करवा दिया। जैसे ऑन करेंगे तो एक सैंपल के तौर पर देखेंगे, ऑलरेडी मैं दिखाने की बात करूँ कि सारे स्लीपर के सीट लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए एक सैंपल के तौर पर मैं ये एक छोटा सा सीट ले रहा हूँ और ये भैया बताएंगे कैसे क्या बनता है। सर ये आगे का प्रोसेस दिखाइए, देख पा रहे होंगे ये एक डाई है ना सर? हाँ डाई है सर, ये डाई है और इसको प्रोसेस दिखाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ प्रेस कर देते हैं, जैसे प्रेस करेंगे तो ये कट जाएगा, देखेंगे आप लोग देख सकते हैं ये प्रेस कर दिया इन्होंने, अब ये जो डाई था उसके हिसाब से कट के निकल जाएगा, देख पा रहे होंगे आप देखेंगे तो ये सिंपल की तरह मैं दिखा रहा हूँ, ये कट के निकल गया, आप देख रहे होंगे ये स्लीपर कट के हो गया। उसके बाद क्या करते हैं सर जी? ड्रिल करते हैं। अच्छा ड्रिल करते हैं, ड्रिल वाला कहाँ होता है? दोस्तों एक चीज़ प्रोसेस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद देखेंगे ग्राइंडर है और ये ग्राइंडर से जो पूरा स्मूथ कर देते हैं, जो साइड का एरिया होता है पूरा स्मूथ कर देते हैं, ताकि जो होता है कि स्क्रैचेस टाइप कुछ ना रहे, पूरा प्लेन कर देंगे। और ग्राइंडर करने के बाद ये लोग शायद ड्रिल का प्रोसेस करते हैं, अभी मैं ड्रिल का पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा, उसके बाद देखेंगे बंद कर दिया उन्होंने। ये ड्रिल की मशीन है, इसको जैसे ऑन करेंगे सर जी यहाँ पर करवा दिया, और उसके बाद सैंपल है यहाँ पर लोग ड्रिल करते हैं, देख पा रहे हो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ड्रिल हो रहा है। जैसे ड्रिल हो गई, ड्रिल करने के बाद सीधा इसका घुंडी लगाते हैं, क्लैप जो होता है और पहने के फीता जैसे बोलते हैं, बद्दी डालेंगे, बद्दी डालेंगे। अच्छा हम लोग घुंडी बोलते हैं, हम लोग बद्दी बोलते होंगे। तो देख सकते हैं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो बहुत सारी ये बद्दी यानी या घुंडी मतलब कुछ भी कह सकते हैं, तो ये रखे हुए हैं। इधर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा एकदम, एक से कलर चार्ट में डिजाइन आप देखेंगे रखे हुए हैं। तो सर एक दिखाइए उसको लगा के किस तरीके से आप लोग लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये ड्रिल करने के बाद ये फीता लगाने का इनका तरीका है। देखेंगे एक मशीन छोटा सा क्लिप लिए हैं और काफ़ी आसानी से लोग लगा लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसको फंसा देंगे और उसके बाद खींच देंगे, ये लग गया देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर दूसरा ही सेम कंडीशन करेंगे, इसको फंसा घुंडी लगा के खींच देंगे। इस तरीके से आपका एक स्लीपर बन के रेडी हो जाता है। फिर देखेंगे इसके बाद बहुत सारे, जैसे मैं दिखा चुका पहले ही कि बहुत सारे कलेक्शन हैं, तो चलिए आप कलेक्शन देखते हैं स्टार्टिंग रेंज क्या बात है और बच्चों से लेकर के कितने कितने नंबर के सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्लीपर है, इनके बच्चों का साइज़ क्या है, ये कितना प्राइस होगा इसका? सर इसका 22 रुपया है सर। 22 रुपये इसका स्टार्टिंग रेंज है, देख सकते हैं 22 रुपये में। ये कितने दिन तक चल जाता होगा? वही 6 से 7 महीना आराम से चल जाता है। 6-7 महीना आराम से चल जाता है, देख पा रहे होंगे 22 रुपये आपको है। ये रिटेल में कितना में जाता होगा? वही 50 रुपये में जाता है। कितना? 50 रुपये में जाता है। 50 रुपये में चला जाता है। तो ये सीट अगर सस्ता कोई बनवाना चाहते सीट तो हल्का करना पड़ता होगा फिर? जी हल्का करना पड़ता। हल्का वो कितने में जाता होगा? वही 18 रुपये में आता है। 18 रुपये मतलब आप स्टार्टिंग दे सकते हैं, अगर कोई मतलब हल्की क्वांटिटी में लेना चाहता है 18 रुपये में दे सकते हैं उसको होलसेल में। हाँ ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अगला स्लीपर है ये, किस ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, मैं देखने में अच्छा भी लग रहा है। इसकी रेट की बात करें कितना होगा? ये सर 72 रुपये का है। 72 रुपये होल सेल में, रिटेल में कितना में जाता होगा? ये 120-130 रुपये देखने चला जाएगा। और काफ़ी मजबूत दिख रहा है जूता स्लीपर जो भी, बहुत अच्छा लग रहा है और मजबूत दिख रहा है। इसके कलर चार्ट भी और सारे आते होंगे ना? जी बहुत से कलर आते हैं, बहुत कलर चार्ट आते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर कितने साइज में रहता, कितना नंबर का ये रहता बंडल के, मतलब एक कोई लेता है तो कितने बंडल लेना पड़ता होगा? कम से कम 6 बंडल लेना। 6 बंडल आता है मतलब कि 6 जोड़ी। ठीक है इसके बाद अगला दिखाइए सर। ये देख पा रहे होंगे अगला कलेक्शन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, एक आपको जो एक नया पैटर्न में है। इसी प्राइस की बात करें क्या होगा? ये सर 76 रुपये। 76 रुपये का है, लेकिन काफ़ी इनका जो सबसे अच्छी बात मैं देख पा रहा हूँ कि जो सीट है ना काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और फिनिशिंग की बात करें तो एकदम ज़बरदस्त है। और यार्डलैंड का नाम से देख पा रहे हैं इनका ब्रांड है, अगर आप अपने ब्रांड से बनवाना चाहते हैं मार्केट में उतारना चाहते हैं तो भी इनसे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये अगला स्लीपर है, देखें कलरफुल चार्ट इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे प्रिंट है। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या होगा? ये 65 रुपये। 65 रुपये केवल? 65 रुपये जी। और रिटेल में कितना में जाता होगा? ये 120-130 ज़्यादा देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है। अगला दिखाए सर, ये अगला देखें स्लीपर, इसकी प्राइस की बात करें तो ये 65 का जाता है। ये भी 65 का? ठीक अगला दिखाए सर, ये भी काफ़ी यूनिक लग रहा है, इसका घुंडी उंडी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी प्राइस की बात करें क्या होगा सर? सर ये 72 रुपये जाता है। 72 रुपये जी, काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव कलर में लग रहा है। और कितने महीने तक चल जाता है मोटी मोटा बात करें तो? ये 6 से 7 महीना। 6-7 महीना जी देख पा रहा हूँ, काफ़ी यूनिक लग रहा है। इसका कलर और भी है क्या सर? इसमें आपको 5-6 कलर मिल जाएंगे। 5-6 कलर मिल जाएंगे ठीक है। ये देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है, ये ERP जो होता है नॉर्मल वही है, बस इनका ब्रांड अलग है। इसकी प्राइस की बात करें क्या होगा? ये सर 60 रुपये। 60 रुपये जी, 60 रुपये आपको देखिए मिल जाएगा। ये अब लेडीज़ में कलेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके प्राइस की बात करें कितना होगा? ये 60 का है। 60 रुपये देख पा रहे होंगे। अगली कलेक्शन देखिए, फोम जैसा लग रहा है एकदम, मतलब बहुत ये बहुत नरम है, मतलब काफ़ी सॉफ्टनेस है और ये काफ़ी गद्दीदार लग रहा है। इसके प्राइस की बात करें क्या होगा? ये 75 का। 75। ये प्रिंट उन्ट कैसे करते हैं आप लोग? वो मशीन से करते हैं। मशीन से ही होता है ना? ठीक है अगला देखें, ये आ गया ERP मॉडल, इसकी बात करें रेट की तो सर? ये 60। 60 रुपये देखेंगे, काफ़ी जो है ना क्वालिटी वाइज इनके पास माल, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी माल में क्वालिटी वाइज दिख रहा है यहाँ देखेंगे 60 रुपये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पास ये सूज की भी वैरायटी रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मुझे लगता है कि ये दौड़ने के लिए काफ़ी सही है। जी जी। इसकी प्राइस की बात करें तो? ये इसकी प्राइस 260 का। 260 रुपये केवल? ये लोग 400-500 बेचते हैं। अरे इसमें MRP है आपका 999 का। 999 का MRP है और 200 कितना दे रहे? 60 का। 260 देख पा रहे हैं, काफ़ी 260 के केवल दे रहे हैं। इधर देखेंगे सूज की बात करते हैं, क्या अगला सूज है इसकी? 260 का। ये भी 260 का जी, काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है। और ये बच्चों का? ये बच्चों का काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, इसकी प्राइस की बात करें तो? 110 का। वहाँ वाली 110। ये भी अच्छा, कितने साल के बच्चों को खोजाता होगा ये? ये 6 से 7 साल भर। 6 महीने से 7 साल भर। हाँ ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं इसके अलावा इनके पास ये डिब्बा बॉक्स जो पैकिंग होता है उस टाइप की कलेक्शन ये बनाने की कोशिश करते हैं, देख पा रहे होंगे।
इसकी प्राइस की बात करें क्या होगा सर? 260 जी। काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है। ये 80 का है सर। 80 रुपया जी। ये कुछ महंगा नहीं हो रहा सर? सर ये प्यू है, ये साल भर एक आराम से लोग पहन सकते हैं। अच्छा, साल भर आराम से पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी? चलिए ठीक। दोस्तों देख सकते हैं इसके अलावा ये पूरा इन्होंने बॉक्स करके है, बॉक्स मतलब सारे बॉक्स बना रखे हैं। इसके अलावा मैं सारे कलेक्शन थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी प्राइस की बात करें तो ये है 48 रुपये का। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर जी डिलीवरी की व्यवस्था की नहीं, जैसे मालिक कोई दूर से मंगवाना चाहते हैं उसको भिजवा सकते हैं, नहीं भिजवा सकते आप या खुद आके लेना पड़ेगा उसको? खुद आके लेना पड़ेगा। देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट की सुविधा जैसे कि बता नहीं रहे भैया कि नहीं है, बाकी देख सकते स्लीपर इनके पास भरा हुआ है, भरमार पड़ी हुई है। जैसा कि देख पा रहे होंगे काफ़ी यूनिक कलेक्शन बने हुए हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन से बनवाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं, आपके ब्रांड अपने ब्रांड का बना कर दे देंगे। और एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। देखेंगे ये सारे मतलब अभी प्रोसेस में चल रहे, जो स्लीपर अभी क्लियर नहीं बन के रेडी हुए। बाकी अगर बॉक्स की बात करें तो फिर से देखेंगे अंगारा या किसी और का सर? नई ब्रांड है, आपका ही ब्रांड है, देखेंगे अंगारा इनका ही ब्रांड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगली आइटम, भैया इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। दोस्तों देख सकते 155 रुपये में है, काफ़ी ज़बरदस्त आइटम है, यूनिक एक दिखने को लग रहा है। और देखेंगे काफ़ी इसको थोड़ा सा फोल्ड करके दिखाएगा, काफ़ी मजबूती दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहीं से मुड़ेंगे कैसे भी मुड़ेंगे इस पर कुछ होने वाला नहीं है, एकदम एक नंबर का पीस है। और काफ़ी देखिए यूनिक ये गुड्डा जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अगली आइटम है, काफ़ी यूनिक लग रहा है ये भी और बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्लास्टिक का ना भैया? जी, ये बारिश में सही रहेगा ना फिर? अगर रेट की बात करें रेट कितना होगा? 180 रुपये होल सेल रेट है जी। हाँ लेकिन पीस बड़ा ज़बरदस्त है, पूरा क्वालिटी वाइज है, देखने में एकदम यूनिक लग रहा है, आप देख पा रहे हो 180 रुपये है। और रिटेल में कितना में जाता होगा ये? करीब 200-250 अच्छा, मतलब जैसे निकल जाए ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्लीपर का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया मैंने पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे आपके स्लीपर है काफ़ी मतलब 18-20 रुपये से स्टार्ट हो जा रहे हैं। अगर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं। ऑलरेडी खुद ये होलसेलर नहीं बल्कि एक सीधे मैन्युफैक्चरर हैं और आप इनसे जुड़ करके एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, देखेंगे पूरा मैं राउंड अप करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सारे कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ कलेक्शन को देखें जितना मैं दिखाने की कोशिश किया, तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।